सांसद रवि किशन ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मुंबई सहित अन्य प्रदेशों से कई ऐसे प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, उनकी कोविड 19 की जांच गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। सदर सांसद रवि किशन ने कोविड जांच के लगाए गए कैंपों का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद सांसद रवि किशन कोविड 19 के हो रहे जांचों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिले में कहीं भी वेंटिलेटर या हॉस्पिटल की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड 19 की इस लड़ाई को हम जल्द जीत लेंगे, इसमें आप लोगों का सहयोग होना आवश्यक है। सांसद रवि किशन ने कहा कि कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते रहे और समुचित दूरी बनाकर रखें, मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वह तत्काल मुझसे या मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकता है। हमारे कार्यकर्ता जनता के लिए सदैव समर्पित हैं। सांसद रवि किशन ने कहा कि आप लोगों का साथ मिला तो हम इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीत लेंगे। सांसद रवि किशन के साथ पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद रवि किशन ने कहा कि धैर्य के साथ कार्य करें और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर बहुत जरूरत हो तो मास्क लगाकर और समुचित दूरी बनाकर ही घर से बाहर निकले और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, यात्रियों का स्वागत करता है। यात्री गण कृपया लिख दीजिए चार पाँच भाई बहन है, ये अपने सुधार के अनुसार भाइयों के अनुसार अपना चाव भैया काम से एकदम अलर्ट है ना सर, जैसे आज प्रशासन से आपको आदेश आया पर होम क्वारंटाइन या प्रवासी आते 14 डेज का क्वारंटाइन मास्क, 14 दिन का क्वारंटाइन मास्क, जो भी बाहर से मतलब प्रवासी मतलब तो या होम क्वारंटाइन हो जाए या फिर सीरियस केस है, ब्रेथलेस है, ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन है, देन हॉस्पिटल के लिए अदरवाइज पॉजिटिव आते हैं तो पूरा सचेत करके नॉर्म बता के कि घर में दूर रहोगे, फैमिली से दूर रहोगे, बच्चों से दूर रहोगे, एक कमरे में रहो या घर के बाहर से हो या छत पे से हो, बट
दावत होती है, उनके साथ अभी रोज कितने केसेस आ रहे हैं हमारे में पूरे, अगर पूरे स्टेशन पे हम देखें तो 51.5 एक हजार में कि 500 में 15 पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव आ रहे हैं। तो मतलब हम लोग सब कुछ चेक करते हैं, तो मतलब ऐसा हक तो नहीं जाता ना, काम है कि सबको कैसा भागने में जो जाएगा और 100 लोग और फायदा है। किसी को भागने में मुंबई दिल्ली में गुजरात में आपको कहीं कितने असर ना होगा, एक साथ जो जाएगा 100 लोगों को और खत्म करेगा, उनको अपने लिए जीवन जैसा होगा अगर वो भागता है तो क्राइम नहीं करता, उनको जो जाके और लोगों को संक्रमित डेफिनेटली होगा, इसलिए आने जरा बहुत बहुत सुंदर है कि आपके डिपार्टमेंट में जाता है सचेत रहें कि तीन ट्रेन पर फोकस करें, वहाँ से कोई भी आए तो अपने आँख से कोई बचे किसी को भागने से, टेस्टिंग सबकी निरीक्षण किए कि वहाँ पर चेकिंग थर्मल चेकिंग वगैरह सब प्रॉपरली हो रही, तो सब बहुत बढ़िया सब रहे बच्चे वहाँ पे अधिकारी सब लोग जितने भी डॉक्टर्स और पुलिस प्रोटेक्शन बहुत अच्छा सबका था, ज्यादा फोकस कर रहे हैं गुजरात दिल्ली और बम्बई वाली ट्रेनों पे, और मतलब 25 में से 2-3 निकल रहे हैं केसेस हर 25 शेडिंग में से, लेकिन अभी वही की सोशल डिस्टेंसिंग सबको करना है, क्वारंटाइन सबको होना है जो भी परदेश से आ रहा है इतने दूर से, परिवार में थोड़ा बचना है सबको, संभालने का समय है, गर्म पानी काढ़ा सेना नमक किना इसका सब दवा हुआ, सांस वांस अगर रुकती है तो जरूर आप लोग चेकअप करा के तुरंत डॉक्टर के पास जाने, तो घर में क्वारंटाइन, और ये बहुत संभालने वाला समय है। ये जो दूसरी वेव आ रही है इसके संबंध में आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, बहुत डेंजरस है ये, तो इसको जरा हल्के में नहीं है, पता नहीं चल रहा है, अचानक एकदम सांस रुक जाती है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब अब अपनी मौत को दावत देंगे अगर आप मास्क नहीं पहने, तो मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा देवप्रिय जनता से कि सब लोग मास्क पहने और अनासे भीड़ में ना जाए, काम ना हो तो घर से ना, शादी ब्याह अवॉइड करें, भी लगन का समय आ रहा है तो 22 तारीख से 23 से लगन लगेगा तगड़ा, जितना हो सके अपने उनके ना हुई वो सबक महाराज जी को भी हो गया, किसी को छोड़ेगा नहीं।